मैं मुनि श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज जी के चरणों में नमन करके निवेदन करता हूँ, महाराज श्री आपकी वाणी से हमें अभिभूत करें। संजू भैया आवाज म्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। संजू भैया अनम्यूट कीजिए। हाँ ठीक, हेलो, हो गया हो गया हो गया। हाँ अब हुआ, पहले तो पता नहीं क्या मैसेज आ रहा था। हाँ वो म्यूट म्यूट था ना इधर से। ठीक है, नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव। बोलो मुनि श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। ॐ नमः सिद्धेभ्यः मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलमिवातिमोहणि मङ्गलमकुन्दकुन्दारयो जय धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वं बलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रहारं सर्वधर्माणां तेनं जयतु शासनम् अज्ञानतिमिरान्धाराम् ज्ञानाञ्जन सदाकया चक्षुर्नमीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः देवदेवं दिनं नत्वा भवोद्भो विनाशनम् भक्षेऽहं देशनां काञ्चित् मतिहीनोऽपि भक्तितः प्रथम तीर्थंकर भगवान सुदेव से लेकर अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी समस्त तीर्थंकर भगवंतों को नमस्कार करता हूं। गुरु गौतम स्वामी से लेकर अंतिम सुखदेव आचार्य भद्रबाहु स्वामी तक, आचार्य कुंदकुल स्वामी तक, आचार्य कुलभद्र स्वामी तक, बीसवीं सदी के प्रथमाचार्य श्री शांत सागर महाराज तक, पूज्यपाद गुरुदेव आचार्य भगवान श्री पुष्पदन सागर महाराज तक, उपस्थित भव्यात्मा आचार्य कुलभद्र स्वामी सार समुच्चय नामक इस ग्रंथ में संसार दुखमय है यह बोध देते हैं। संसार दुख का सागर है यह सीख देते हैं। जब संसार दुखमय है, संसार में दुख ही दुख है, तो हम दुखी हैं तो प्रश्न उठता है दुख के कारण क्या है। दुख के जब तक कारण का ज्ञान नहीं होगा तब तक निवारण नहीं होगा। इसलिए दुख के कारणों को जानना जरूरी है ताकि दुख का निवारण हो सके। आचार्य महाराज यहां पर तीसरी गाथा लिखते हैं, वे कहते हैं आर्त ध्यान रखो मूढ़ो न करो त्यात्मनो हितम् तेनासौ तु महत्क्लेशं परत्रेह चागच्छति। आर्त ध्यान रतो मूढ़ो, ये मूढ़ आत्मा, ये मूढ़ आत्मा, मूर्ख नहीं कहा है, मूढ़ कहा है। मूर्ख वह है जिसे समझाया जाता है, समझता तो है लेकिन आचरण में नहीं लाता, और मूढ़ वह है जिसे समझाया जाता है पर समझता नहीं। तो मूढ़ है जिसे समझाया जा रहा है, ज्ञान दिया जा रहा है, सिद्धि जा रही है, बोध दिया जा रहा है लेकिन समझ नहीं पा रहा है।
मूर्ख तो कम से कम समझता है, आचरण नहीं कर पाता है, लेकिन मूर्ख समझता ही नहीं है। तो यहां आचार्य कह रहे हैं मूढ़ आत्मा आत ध्यान रखो, आत ध्यान में रख, आत ध्यान में इस वजह से ना करो आत्मनो हितम, इसलिए वह ना करो कि आत्मनो हितम, इसलिए वह अपनी आत्मा का हित नहीं करता। जो समझने को राजी नहीं, जो समझने को तैयार ही नहीं, उसके लिए साक्षात तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी भी यदि समझाने के लिए आ जाए तो भी वह अपनी आत्मा का हित नहीं करेगा, क्योंकि वह तैयार ही नहीं है। तैयारी होना, इसलिए मैं आप सब लोगों से कहता हूं दीक्षा जब मिले तब तब की बात है, लेकिन दीक्षा की इच्छा होना अब की और अभी की बात। आज आप दीक्षा नहीं ले सकते, नहीं लेना है कोई बात नहीं, बच्ची आज आप व्रत नहीं ले सकते, नहीं लेना है कोई बात नहीं, आज आप संयम नहीं ले सकते, नहीं लेना है कोई बात नहीं, लेकिन व्रत लेने की, संयम लेने की, दीक्षा लेने की, संन्यास लेने की इच्छा तो करिए। आज इच्छा करेंगे तब जाकर कि किसी समय किसी काल में इच्छा दीक्षा रूप में परिवर्तित होगी। चक्रवर्ती भरत का जीवन चरित्र लिखते हुए कवि रत्नाकर ने भरतेश वैभव में एक चित्र खींचा कि चक्रवर्ती भरत भोजन करते हैं, चक्रवर्ती भरत भोजन करते हैं और भोजन करते करते उनकी आंखें बंद हो जाती, थाली से उठाया गया ग्रास हाथ के ठहर जाने से बीच में ही रुक जाता। पट्ट महिषी महारानी सुभद्रा पूछती है आरी क्या वजह है कि आप भोजन नहीं कर रहे, ऐसा कौन सा चिंतन कर रहे हैं। तब चक्रवर्ती भरत अपनी पट्ट महारानी सुभद्रा से कहते हैं देवी मैं सोच रहा हूं कि वह दिन कब आएगा जब मैं कर पात्र में मुनि बनकर के आहार ग्रहण करूं। विचार करिए छह खंड का अधिपति वह चक्रवर्ती भरत, 96,000 स्त्रियों का स्वामी वह भरत भोजन करते हुए विचार कर रहा है कि वह दिन कब आएगा जब मैं कर पात्र में पाणी पात्र में आहार ग्रहण करूंगा। क्या आहार ऐसा दिन कब है? मैं आपसे कह रहा हूं मुनि कब बनेंगे आप ये भूल जाइए, लेकिन मुनि बनने का भाव तो करिए, मुनि बनने की इच्छा तो करिए, संयम को धारण करने का भाव तो करिए। आज आपके भाव है वे ही कल प्रकट होंगे साकार। इसीलिए हमें भाव करना आचार्य कह रहे आत ध्यान रतो मूढ़ो, ना करो आत्मनो हितम, ना करो ती आत्मनो, अपने आत्मा का हित नहीं करता है। कभी हमने सोचा ही नहीं आत्मा का हित करना चाहिए, क्यों? क्योंकि हम आत्म ध्यान में रखते, आत्म मतलब दुख, आत्म मतलब दुख, और दुख में ही लीन है प्राणी। चार प्रकार के दुख बताए हमारे आचार्य, दुख मतलब आध्यान, चार प्रकार, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन और निदान। क्या तुम्हारा
सुबह से लेकर के देर रात तक का समय, या यूं कहें कि तुम्हारा पूरा जागरण काल दुख के शांति व्यतीत हो रहा है। इष्ट वियोग, तुम्हारे अपनों का जो वियोग हो गया, जो तुमसे दूर हो गए, उन्हीं की चिंता में तुम जले जा रहे हो। अनिष्ट संयोग, जिसके साथ तुम रहना नहीं चाहते हो उसके साथ रहना पड़ता है। जिसके साथ रहना है उससे मिलना नहीं हो रहा है, जिससे साथ नहीं रहना है वह गले में घंटी बनकर के विचार करे, और ये दुख तुम्हें सता रहा है, इसी दुख में तुम लीन हो। इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोग, फिर पीड़ा चिंतन, कोई तकलीफ हो जाए, बीमारी आ जाए, उसी का चिंतन। अरे बीमारी नहीं आई है पर बीमारी ना आ जाए इसका चिंतन। वर्तमान में पूरी दुनिया कोरोना की वजह से पीड़ा चिंतन में है, ये आत्म ध्यान में है। क्या पूरी दुनिया कैसा, हर व्यक्ति भयभीत है, डरा हुआ है कोरोना से, कहीं ये बीमारी कहीं किसी को खांसी भी आती है तो आदमी को सीधे कोरोना दिखता है, हल्की सी हरारत होती है उसी भी कोरोना दिखता है, जरा सा कुछ भी दिखाई देता है उसे लगता है भय के मारे वह व्यक्ति डॉक्टर के पास भी नहीं जाना चाहेगा, हॉस्पिटल भी नहीं जाना चाहेगा, ट्रीटमेंट भी नहीं कराना चाहेगा। क्यों? क्योंकि यदि मैंने दिखाया और कोरोना निकल गया तो डर इस बात का, पीड़ा दुख तकलीफ इसी के बारे में एक चिंतन चल रहा है। इसी के बारे में एक चिंतन चल रहा है, एक विचार चल रहा है। तो हमें हमें क्या करना है, अपनी दुख और तकलीफों को जो हमारे आत्म ध्यान का कारण बनी हुई है उन्हें धर्म ध्यान में परिवर्तित करिए। हर व्यक्ति कर्मों का फल भोगता है, हर व्यक्ति को कर्मों का फल भोगना पड़ता है, और आज यदि मेरे जीवन में कोई तकलीफ है तो ये मेरे अपने कर्म का ही परिपाक है, ये कर्म का ही फल है, समझ रहे हैं? तो इस तरह से आचार्य महाराज कह रहे हैं आत्म ध्यान रतो मूढ़ा, तो आत्म ध्यान में रत है, आत्म ध्यान में लीन है, इसमें आत्म ध्यान में सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक आत्म ध्यान ही चल रहा है। दुख में ही हम उलझे हुए हैं, दुख में ही हम खोए हुए हैं, दुख में ही हम डूबे हुए, इसलिए मैं आप सकते हैं यहां पर जो चर्चा है वो यही है, यह मूल आत्मा आत्म ध्यान में तो रत है, इस कारण से वह अपनी आत्मा का हित नहीं कर पाता है। ना करोति आत्मानं हितम्, अपनी आत्मा का हित। कितने भव हो गए आपको संसार में भटकते हुए, इतना समय व्यतीत हो गया संसार में भटकते हुए, ख्याल है, कोई गणना है, कोई हिसाब किताब है, कुछ भी नहीं। कितना लंबा समय यह जीव इस संसार में परिभ्रमण करते हुए व्यतीत कर चुका है, और आज की स्थिति को देखकर के लगता नहीं है कि अभी तुम्हारा संसार समाप्त होने वाला है, क्योंकि हमारे मन में विषयों के प्रति तो लालसा है, विषयों के प्रति तो इच्छा है, विषयों को भोगने की तो भावना है, लेकिन आत्मकल्याण की भावना हमारे भीतर जागृत नहीं हो पाती है।
नहीं हो पा रही है विचार कर। और जब तक हमारी आत्मा का कल्याण नहीं होगा, आत्मा के कल्याण का भाव जागृत नहीं होगा, तब तक आत्मा का कल्याण कैसे होगा? कैसे होगा? नहीं। तो इसीलिए संसार से मुक्त होना है, मोक्ष को प्राप्त करना है, तो आत्म ध्यान को छोड़कर धर्म ध्यान में लीन होना है। आत्म ध्यान रतो मूलो, जो यह सूत्र है, आत्म ध्यान रतो मूलो, तो यह सूत्र परिवर्तित हो जाना चाहिए हमारे आचरण से। तो आत्म ध्यान रतो मूलो, इस सूत्र को हमें करना है धर्म ध्यान रतो ज्ञानी। क्या है धर्म ध्यान रतो ज्ञानी? जो ज्ञानी वह धर्म ध्यान में रत है, उस सूत्र को हमें परिवर्तित करना है। क्योंकि अभी जो गाथा सुख का कारण है, वही गाथा सुख का कारण बन जाएगी। धर्म ध्यान रतो ज्ञानी धर्म ध्यान में रत करोति आत्मनो हितम्, ना हट जाएगा और वह अपनी आत्मा का हित करता है। करोति आत्मनम हितम्, अपनी आत्मा का हित करता है। विचार इतना ही तेनासोसु महत्वेशम, ये संसारी प्राणी इस लोक में परलोक में बहुत भारी दुख को प्राप्त करता है। परत्र इहचा गच्छति, क्या परलोक में और इह लोक में प्राप्त करता है? क्या सुमहत गृहतम, बहुत भारी दुख को प्राप्त होता है, बहुत भारी। आज क्या सोच थोड़े दुखी हो, हकीकत में आंख मूंद करके बैठ करके देखो तो तुम्हें महसूस होगा कि मुझसे ज्यादा दुखी इस संसार में कोई है ही नहीं। महत दुखम, महत क्लेशम, महत विशाल विराट बहुत क्लेश से युक्त हूं मैं। साथियों हमें चाहिए कि हम यदि दुख से मुक्त होना चाहते हैं तो दुख से मुक्त होने का पुरुषार्थ करें, प्रयास करें। महात्मा बुद्ध ने चार आर्य सत्यों की स्थापना की। उन्होंने कहा संसार में दुख है, ये पहला आर्य सत्य। सभी ज्ञानी पुरुषों ने ही कहा है कि संसार में दुख है। संसार में पहला आर्य सत्य। दूसरा आर्य सत्य उन्होंने कहा कि दुख के कारण दुख है तो कारण होगा ही होगा, बिना कारण के कुछ भी नहीं होता है। तो दुख है तो दुख के कारण है, ये दूसरा आर्य सत्य। तीसरे आर्य सत्य में उन्होंने स्थापित किया कि दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है। दुख का निवारण, इसका मतलब संसार दुखमय है, ये बात हम मानते हैं। संसार में दुख के कारण है, इस बात को भी हम मानते हैं। दुख के कारण है, इस बात को भी हम मानते हैं। और जो दुख के कारण है उन कारणों का निवारण भी होता है, हो सकता है, इस बात को भी। एक तीन आर्य सत्य, जब दुखों का निवारण है तो हमें दुख का निवारण करना चाहिए। जो चीज हटाई जा सकती है उसे हटाना चाहिए, इसे निकाला जा सकता है उसे निकाला जाना चाहिए, इसकी उदीर्णा हो सकती है उसकी उदीर्णा करनी चाहिए, इसकी निर्जा हो सकती है इसकी निर्जा करनी चाहिए। दुख को हटाया जा सकता है, दुख को समाप्त किया जा सकता है, तो दुख के निवारण के कारण तरीके। और चौथा आर्य सत्य महात्मा बुद्ध ने स्थापित किया कि ऐसा भी स्थान है जहां ना सुख है ना दुख है, सुख भी नहीं है दुख भी नहीं, सुख भी नहीं है
कौन सा सुख? इंद्रिय का सुख। कौन सा सुख? इस संसार का। लेकिन जो आत्मा का आनंद है बस एक आनंद ही वहां पर शेष है, परम स्थान मोक्ष स्थान सिद्ध स्थान है, जहां पर जीव संसार के सभी प्रकार के दुखों से, एक ऐसा स्थान है जहां पर दुख नहीं है, वह है चार अर्थ। आप हम सब लोगों को यदि सुख की प्राप्ति करना है तो सबसे पहले दुख का कारण क्या है इसे समझना है। दुख के कारण को आपने समझ लिया तो उसका निवारण करोगे। डॉक्टर यदि आपको देखता है, आपका टेस्ट करवाता है, आपकी बीमारी के कारण को जानता है, पकड़ता है, और जब बीमारी का कारण पकड़ में आ जाता है तो डॉक्टर उसी हिसाब से ट्रीटमेंट करता है, उसी हिसाब से इलाज करता है। कारण को जान करके ही तो दवाई देगा। पहले नाड़ी में धो देते, नाड़ी पकड़ते नहीं, और इस बराबर तरीके से नाड़ियों को देख करके बाहर पहचान जाते थे कि सामने वाले को तो बीमारी है, वह बात के कारण है, उसके कारण है, कब के कारण है, जान लेते थे, और जान करके फिर वैसी दवाई देते थे ताकि वह व्यक्ति स्वस्थ रहे। तो दुख के कारण को जानो, और जब दुख के कारण को जान लो तो कारणों का निवारण करो। कारण का निवारण, जब कारण का निवारण आप करेंगे तो ये व्यवस्था है, ये तरीका है। तो यहां पर मुख्य बात यही है कि आत रौद्र रसो मूढ़ो, ये मूल आत्मा आत रौद्र ध्यान आत ध्यान में लीन है, रत है, इस कारण से दुखी है। आप सब लोगों ने दुख का कारण जान लिया होगा। क्या है दुख का कारण? क्या है दुख का कारण? आत ध्यान। क्या है आत? आत मतलब दुख, जो दुख रूप ध्यान है वही आत ध्यान है, और दुख दुख को खींचता है, सुख सुख को खींचता है। उदाहरण के तौर पर एक स्थान पर एक किसी के घर में किसी की मृत्यु हो गई, किसी की मृत्यु, मृत्यु होने पर वहां पर जो लोग पहुंचे तो घर के लोगों को रोता हुआ देख करके वे भी उदास से झुका लिए, गर्दन झुका ली, गमगीन हो गए। क्यों? क्योंकि वातावरण शोक का है तो कोई वहां पर हंसी चिटौली नहीं करेगा, हंसी मजाक नहीं करेगा, वह भी ऐसा सिर झुका करके बैठ जाता है। दुख के कारण आप भी दुखी हो, और एक ही घर में एक स्थान पर शादी हो रही है, पार्टी चल रही है, सब लोग नाच रहे, तिलक रहे हैं, घूम रहे हैं, मस्ती चल रही है, एक रोता हुआ व्यक्ति वहां जाता है, वह व्यक्ति भी झूमने लगता है, नाचने लगता है, गाने लगता है, गुनगुनाने लगता है, तिलकने लगता है। क्या हुआ है? तो दुख जहां है वहां पर हंसता खेलता व्यक्ति भी दुखी हो जाता है, और सुख जहां पर है वहां पर रोता हुआ व्यक्ति भी सुखी हो जाता है, आनंदित हो जाता है। इसका मतलब है दुख दुख को खींचता है, सुख सुख को खींचता है। तो आत ध्यान रतो मूढ़ो, जो आत ध्यान में रत है, मूढ़ दुखी ही है, दुख का कारण है। साथियों हम आत ध्यान से मुक्त हो, क्योंकि वही हमारे दुख का कारण है, वही हमारे दुख का कारण है। इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन और निदान बंध, ये आत ध्यान है, जो कि कभी भी हमारे सुख का कारण नहीं हो सकते, ये दुख के ही कारण है। तो आचार्य महाराज ने यह बतलाया है कि संसारी प्राणी इस लोक में और लोक में बहुत भारी दुख प्राप्त करता है, उसका कारण सिर्फ आत्मधारण है, क्योंकि आत्मधारण की वजह से यह जीव यह आत्मा अपनी आत्मा का कल्याण नहीं कर पाता है। तो इस तरह से आज मैंने आप सब लोगों को
आचार्य कुलभद्र स्वामी के अनुसार दुख का कारण बतलाया है, और जो दुख का कारण है बस उस दुख के कारण को समझ करके उसका त्याग परित्याग करना ही हमारी समझदारी है। अब समय है जिज्ञासाओं के समाधान का, प्रश्नों के उत्तर का, इसलिए 2 मिनट पहले मैं अपनी बात को विराम देते हुए आपके यदि कोई प्रश्न है तो पूछिएगा। सबसे सब कुछ जय। इसी प्रकार के प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, जिसकी भी जिज्ञासाएं होंगी उनका समुचित समाधान किया जाएगा। भारत जी पारस जी, आज जिन्हें भी प्रश्न पूछना है उन्होंने हैंड रेस कीजिए, जिससे समझ में आएगा कि किसने पूछना है, एक एक करके हम पूछेंगे फिर। जय जिनेंद्र गुरुदेव। हाँ बोलिए। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो सूतक पातक की विधि रहती, जैसे हमारे घर में ही चैतालय है और हमारे घर में चौथी पांचवी पीढ़ी में किसी का सूतक लगा है, मतलब किसी को बच्चा हुआ है, तो हमें किस प्रकार अभी करना चाहिए, ये सूतक को कैसे पालना चाहिए और उसके लिए क्या ध्यान रखना चाहिए, कितने दिन का सूतक लगेगा? देखिए सूतक पातक एक शास्त्रोक्त विधि है जिसका वर्णन हमारे त्रिवर्णाचार्य में बड़े विस्तार से हमारे आचार्य महाराज ने की है। जन्म के की अशुद्धता को सुवा कहते हैं, कर्नाटक में वृद्धि कहते हैं, और मरण की अशुद्धता को सूतक कहते हैं। मरण का जो सूतक है वह 12 दिन तक चलता है, जन्म का जो सूतक है वह 10 दिन तक चलता है। ऐसा 4 पीढ़ी तक 10 और 12 दिन का सूतक मानना चाहिए। आचार्य विज्ञान जी महाराज ने किसी किताब में की और उसने कहा जो सूतक पातक नहीं मानता है वह मिथ्या दृष्टि, किताब का नाम भी बड़े प्रकार से दिया था और सारे सूतक पातक के विषय को उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से उस पतली सी छोटी सी किताब में संकलित किया है। तो बात घर गृह चैत्यालय की है, जिनके घर में चैत्यालय है सूतक तो उन्हें भी लगेगा, क्योंकि सूतक का संबंध रक्त से होता है, इसी कारण से आपको यह सूतक लगने वाला है। तो उस सूतक की स्थिति में गृह चैत्यालय होने पर आप आसपास के जो जैन धर्मावलंबी है उन्हें बुलाकर के घर में पूजा पाठ करवाए, या आपके रिलेशन में जो मातृपक्ष के लोग हैं, आपकी बहन बेटियां हैं, उन्हें बुलाकर के पूजा पाठ करवाएं। लेकिन आपको तो सूतक पातक का पालन इस प्रकार से शास्त्रों में वर्णाचार्य में आदि पुराण आदि में वर्णित है, उसी प्रकार से उनका परिपालन करना है और अपनी क्रियाओं को निभाना। तो गुरुदेव कितने दिन का सूतक लगेगा हमें? जन्म में 10 दिन और मृत्यु में 12 दिन, पीढ़ी के हिसाब से 4 पीढ़ी तक 10 और 12 दिन का सूतक आया। अच्छा ठीक है। नमोस्तु गुरुदेव। अच्छा, समय समाप्त होने पे है, लेकिन एक लास्ट सवाल मैं ले रहा हूँ। पीके जैन ये ऑस्ट्रेलिया से है, ये अपना सवाल पूछ रहे। पीके जी सवाल पूछिए, संक्षिप्त में पूछिए। आवाज अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज अनम्यूट कीजिए। नमोस्तु महाराज जी, त्रिकाल त्रिबार नमोस्तु।
यहाँ की समाज से एक प्रश्न मेरे पास में आया था, आचार्य भगवंतों के, उपाध्याय भगवंतों के 25 गुण बताए हैं आगम के अनुसार से, 14 और 11 अंग और पूर्व के। तो अभी इस समय तो 14 अंग और 11 पूर्व के होते नहीं है, तो 25 कैसे गिनने जाने चाहिए? समाधान पर उपाध्याय के 25 गुण पड़े 11 अंग और 14 पूर्व। आचार्य भद्रबाहु स्वामी तक तुम्हारा संग था, उसके पश्चात यह ज्ञान की श्रृंखला कम होती गई और अंग और पूर्व का ज्ञान समाप्त हो गया। अब वर्तमान के उपाध्याय किस तरह से 25 गुणों का पालन करें, आपका यह प्रश्न है। तो वर्तमान में जो उपाध्याय परमेश जी है, वे वर्तमान के सभी उपलब्ध प्राप्त ग्रंथों के ज्ञाता होते हैं और उनके ज्ञाता होकर के ही फिर उनका पठन पाठन करते हैं। तो उसी अनुसार से 25 मूल गुणों का धारी कहा जाता है और वर्तमान के ग्रंथों का ज्ञान होना ही उस मूल गुण में सुत्ता सुत्ता लगता है। नमस्तु गुरुदेव, आज की सभा यही समाप्त हो रही है।